नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन लाइव टीवी और मैं हूं सौरभ त्यागी। अब खबर विस्तार से। निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन का शिकंजा कस गया है। रविवार को जालौन जिला मुख्यालय के साथ ही सभी निकाय क्षेत्रों में अभियान चलाकर होर्डिंग व बैनर उतारे गए। अभियान का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित SDM व CO ने किया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही जिले में प्रशासन सक्रिय हो उठा। रविवार को एक्शन मूड में आए प्रशासन का चाबुक विभिन्न दावेदारों के होर्डिंगों व बैनर पर चला। नगर जालौन में नवागंतुक SDM सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार गौरव कुमार, अधिशासी अधिकारी सीमा तोमर के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम ने प्रचार सामग्री को हटाने का अभियान रविवार को देर शाम शुरू किया। JCB मशीन व ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से ऐसी सामग्रियों को उतारने व उन्हें हटाने का अभियान घंटों चलता रहा। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में कौतूहल का सबब बन रहा है। इस मौके पर उप निरीक्षक आनंद कुमार, सफाई निरीक्षक देवेंद्र सिंह, नगर लेखपाल मौजूद रहे। जारी हो गई है तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि आप राजनीतिक जो पार्टियों की पोस्टर बैनर हटवा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं इस बारे में क्या अपडेट है। हम लोग ने नगर पालिका की तरफ से 3 टीम्स बना ली हैं और आदर्श आचार संहिता का हम लोग कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के जो भी बैनर्स, होर्डिंग्स और प्रत्याशियों के जो भी बैनर्स लगे उन सबको 100% हम रिमूव करेंगे और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।